गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बज गए सुबह के 7 और हम लेट हो गए आज उठने में, क्योंकि रात को हो गए लेट सोने में, तो अभी हो गए लेट उठने में। तो अभी जा रहे हैं मस्त, एंड गला पूरी तरह से यार पता नहीं खराश हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहे हैं वॉक करने मस्त, एंड मलिक आज कॉल आया नहीं, हम भी उठे नहीं तो कॉल नहीं किए। तो देखते हैं वॉक करते करते कॉल करके उसे, अगर आ जाएगा तो ठीक है। और हम तो अभी निकलते हैं भाई, रेडी हो गए मस्त, शूज़ पहनते हैं और मस्त फटाफट भागते हैं। फिर करते 2 किलोमीटर हो गए भाई, लगभग 1 राउंड अब कंप्लीट होने आ रहे हैं और 200-300 मीटर। तो मले आया नहीं, कॉल किए थे बट वो आया नहीं। 3rd राउंड शुरू हुआ और अभी 1 राउंड और मारना है, इसके बाद 4th राउंड भी। तो बस 4th राउंड कंप्लीट करते हैं, घर चलते हैं, फिर राम प्यारी उठा कर राइडिंग में निकलते हैं मस्त। तो आज सब चीज़ मॉर्निंग में कंप्लीट, एक्सरसाइज की आउटडोर हमारा चल रहा है भाई। होगा तो यहाँ से यू टर्न ले लेंगे अम्बेडकर IG बंगला के पास से, नहीं तो फिर पूरा यू टर्न लेके ही चल जाएंगे, ऐसे ही मुड़ जाएंगे। तो देखते हैं जैसा भी बने। ये राइडिंग में हम निकल गए भाई वॉकिंग करके घर, घर से उठाए राम प्यारी और अब फाइनली राइडिंग के लिए, हम आ गए हैं NH30 से ही वृंदावन लॉन, और जाएंगे इस तरफ 5-5.5 किलोमीटर और फिर वापसी। एंड देन वापसी में बोर्ड कराने का जो काम मिला स्कूल से वो करते हुए वापस आएंगे घर, क्योंकि आज पापा जी का जो है श्राद्ध है पितृपक्ष, वो पंडित जी आ जाएंगे 11:30-12 बजे तक, तो उन्हें भोजन करवाना है। देन फिर वो काम निपटवा आगे फिर हम निकलेंगे मार्केट, मार्केट में 1-2 काम है हमें। तो फिलहाल फुल टू राइडिंग करते हुए भाई, ये देखो फिलहाल मस्त राइडिंग करते हुए, ये देखो करते हुए भाई हम पहुंच चुके हैं ग्रीन्स कॉलोनी की और मंगरू कचोरा, और अभी तो जाना है थोड़ा, तो इस तरफ 6 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा हमें। देन फिर 5 किलोमीटर जो है मार्केट में बोर्ड कार्यालय से काम करते हुए हम चले जाएंगे। दोनों चीज़ जो है मॉर्निंग हो गई, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो पाई बट हो गई मॉर्निंग में। सो अगर हम करेक्ट 4 बजे उठते हैं भाई तो 5 बजे तक घर से निकल पाएंगे, तो 5 से हो जाएगी 7:15 तक हमारी वॉकिंग। देन फिर 7:15 से 8:15 बजे तक जो है राइडिंग भी हो जाएगी, बशर्ते हमें 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे उठने के लिए हमें रात को 8 बजे तक जो है सोना पड़ेगा, तभी 8 घंटे की नींद पूरी होगी और हम उठ पाएंगे। फिलहाल आज तो कर लिए, कल है सैटरडे, कल का ही है जो टेंशन है भाई। कोशिश रहेगी कि 4 बजे कल उठ जाएं और 5 से 6 है जो अपन राइडिंग करके रेडी हो गए, फिर सीधे स्कूल के वॉकिंग करते हुए निकल जाएंगे जितना देर कर पाए। ये रहेगा कल का शेड्यूल, फिलहाल अभी नहीं देखते, अभी फोकस राइडिंग में, और राइडिंग करते हुए लगभग 4 किलोमीटर होने वाले हमारे, और हम यही सिमरा वाले मार्ग पर जा रहे हैं। देखो कल की जो राइडिंग थी गांव में ही थी, स्कूल से बच्चों की साइकिल में एक बच्चे के साथ, तो काफ़ी मज़ा आया। एंड रोड काफ़ी अच्छा, शांत, गाड़ियाँ नहीं कुछ नहीं, और रोड तो इससे कई गुना अच्छा था भाई, डबल रोड, तो मज़ा आ गया कल साइकिलिंग करके। तो ये वापसी फिर ग्रीन कॉलोनी के पास भाई है, 7.50 किलोमीटर राइडिंग डन हो गई अपनी। सो बस ऐसे ही जाएंगे वृंदावन लॉन, फिर वहाँ से पकड़ेंगे NH30 दैन से बोर्ड का जाना है।
भाई हम पहुंच गए हैं वृंदावन लॉन के रास्ते, एंड यहाँ से ले लेंगे आगे NH 30 से हम लेफ्ट साइड टर्निंग, देन जयपुर मोड़ से टर्निंग, फिर एयरपोर्ट से टर्निंग, तीन टर्निंग भाई। तो बोर्ड कार्यालय वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ बोर्ड कार्यालय का काम करके फिर उसी रूट से वापस घर। पंडित जी आएंगे तो जितनी स्पीड चला सकते हैं चला रहे हैं, और फटाफट बस घर पहुंचते हैं, रेडी होते हैं, फिर पंडित जी को भोजन करवा के फिर निकलते हैं काम करने। NH 30 तो भाई हम आ गए हैं घर और टाइम हो गए 11:10, तो चलते हैं, हम मस्त रेडी होते हैं फटाफट नहा वहाँ पे। हमारी जय भगवान जी, जय बाबा जी। तो पंडित जी आ गए भाई, टाइम हो गए हैं सब हमारा, तो पंडित जी को बैठाते हैं, भोजन करवाते हैं। तो भाई पंडित जी जस्ट अभी गए और 2:45 बज गए, तो काम तो अब कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारा, मतलब बहुत सारे काम थे लेकिन सब काम लटक गया। तो अभी मम्मा जी गई हुई हैं कौवा और जो है कुत्ते का खाना डालने बाहर, तो वो डालना पड़ता है शराध पितर पक्ष में, तो बाबा जी का आज है शराध, तो अभी मम्मा जी गई हुई हैं वहीं, मम्मा जी आती हैं तो फिर खाना वाना खाते हैं हम भी। एंड कुछ काम तो शायद ही अब नहीं बन पाएगा यार, क्योंकि काम तो था 2-3 काम, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाएगा, पूरा काम जो है पेंडिंग हो गया हमारा। तो मम्मा जी आती हैं तो खाना खा के फिर जाके देखते हैं, अगर काम हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर आगे जब मौका मिलेगा तब करेंगे। कुछ देर के बाद आप लोग से मिलते हैं फिर। दही बड़ा आ गया भाई फाइनली, मस्त। करेक्ट 6 और अभी हम घर आए, चले गए थे, थोड़ा बहुत काम था, वो सब काम हो गया गनीमत, और फिर उसके बाद गाड़ी बनवाने गए, बुलेट वो देखो खड़ी है ना, तो इसमें कराएं ऑयल वगैरह चेंज फिल्टर वगैरह। तो सैलरी है नहीं, 2-2.5 महीने होने को सैलरी नहीं आई है, और फिर खर्चे हो गए 1500 रुपये, तो ऐसे ही हो रहा है भाई। अभी जा रहे हैं मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर, फाइनली जल चढ़ाते हैं और थोड़ा मार्केट घूम के फिर वापसी घर फटाफट से। घर आए यहाँ पे, 1:08 हो गए, तो अभी चलते हैं मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, क्योंकि मोबाइल 30% है ओनली, तो मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि दोपहर में 2 बजे ही खाना खाएं सीधा। तो अभी बढ़िया मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, भगवान जी को मत्था टेकते हैं और कुछ खाते हैं फटाफट, क्योंकि कल मॉर्निंग स्कूल है। तो भाई रात के बज गए 8:15 और डिनर हो गया हमारा, डिनर में हम खा लिए 2 दही बड़े एंड थोड़ी सी खीर और 3 या 4 पूड़ी खाए, तो पेट भर गया काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर, हर हर महादेव। तो कल मिलते हैं भाई मॉर्निंग में, जो कि कल है मॉर्निंग स्कूल सैटरडे।